हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप भी अगर ध्यान करते हैं और हमेशा ये दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि क्या मैं एकदम सीधा बैठूं या थोड़ा सा कमर को झुका सकता हूं या नहीं, और अगर सीधा बैठता हूं तो क्या इसका असर रहेगा, और अगर थोड़ा सा झुककर बैठता हूं तो ध्यान लगेगा या नहीं लगेगा। इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, और साथ में किस तरीके से बैठना है वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी विद प्रॉप्स, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसकी वजह से आप आराम से ध्यान कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, और जो नए आए हैं इस चैनल पे प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप मुझे सब्सक्राइब करते जाते हैं आप एक तरीके से मेरी फैमिली का पार्ट बनते जाते हैं, और मुझे अच्छा लगता है जब मेरी फैमिली बढ़ती जा रही है। मुझे लग रहा है कि हाँ, कुछ ऐसा है जो उनको चाहिए, और मैं कोशिश करती हूँ कि वो सब चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से पहले खुद एक्सपीरियंस करूँ और फिर मैं आपके सामने लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि ध्यान करते वक्त सीधे बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। देखिए, इसका एक मैं एग्जांपल लेके बताऊंगी आपको। सपोज ये हमारा हाथ है, ये हमारी पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी है, ये नेक है, और ये हमारा जो ये है ये फेस है। हम अपने फेस को अप एंड डाउन अपने तरीके से घुमा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे झुक कर बैठे हैं, सपोज हम हल्का सा झुका के बैठे हैं, ऐसे हमारी कमर को झुकाया है हमने, गर्दन को झुकाया है, और फिर हम ध्यान कर रहे हैं, तो आप फील कीजिए कि ध्यान का जो मेन मतलब है वो ये रहता है कि हमारे जो सारे चक्रास हैं नीचे से लेके ऊपर तक सारे चक्रास एक्टिवेट हो। जो सबसे नीचे बेस चक्रा है, रीढ़ की हड्डी के बॉटम में, वो एक रूट का काम करता है, जैसे पेड़ की जड़ होती है, और वो जड़ जितनी स्ट्रांग रहेगी, जितने टाइट वो जमीन को पकड़ के रखेगी, उतना ही बड़ा पेड़ आराम से जितनी दूर तक चाहे उतना फैल सकता है। यही हमारे शरीर के साथ भी है। आप देखिए, पूरा दिन हम सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से हम बैठ और खड़े रह सकते हैं। आप अपने पैर के तले की वजह से, आप उसकी ग्रिप की वजह से पूरा दिन आप चलते हैं, इधर से उधर आते हैं जाते हैं, और वहीं हमारा जो बेस है उसकी वजह से हम चेयर पे या कहीं पे भी हम बैठना चाहें बैठ सकते हैं। और जब हमारा बेस स्ट्रांग होगा तभी पेड़ बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ये ले रहे हैं कि ये हमारी बॉडी है, ये हमारा फेस है, और यहाँ पे नेक है। अब यहाँ पे मैंने एक टॉर्च की लाइट है वो जला दी। अब वो टॉर्च की लाइट मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ तक क्यों पहुँचे? क्योंकि हमारे शरीर में हमने 7 चक्रास बताए हैं। चक्रास पे मैंने पहले वीडियो बना रखी है, वो आप चाहें तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे शरीर में यहाँ पे बेस चक्रा है, और यहाँ पे जाते जाते यहाँ तक 7 चक्रास हैं, और यहाँ पे टॉप पे जो सहस्रार चक्रा है, क्राउन चक्रा है। हम सबका मेन एम जो रहता है ध्यान करते वक्त वो ये रहता है कि हमारा क्राउन चक्रा है वो एक्टिवेट हो जाए। कुछ ऐसा हमें फील हो जो कि हमें रियलाइज़ कराए कि हम एक पीसफुल, एक काम सोल है। तो जब हम इस चक्रा को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि वो जो लाइट है, जो मेहनत हम ध्यान में अपने सारे चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए कर रहे हैं, वो लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी पहुँचे। आप इसको होलो पाइप समझ सकते हैं, एक ऐसा पाइप जो अंदर से खाली है, और जब आप यहाँ से लाइट फेंकेंगे तो यहाँ तक सीधी जाएगी, लेकिन यहीं पे अगर ये झुक रहा है, हल्का सा भी बेंड है, तो वो लाइट किसी एक चक्रा पे जाके ब्लॉक हो जाएगी, और वही चक्रा एक्टिवेट रहेगा, बाकी ऊपर के चक्रास जो हैं वो एक्टिवेट नहीं रहेंगे। और यही हमारी कोशिश रहती है कि हम हमारी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और नेक जो है वो बिल्कुल सीधी रखें, ताकि जो हम ध्यान में फील करना चाहते हैं वो फील कर पाएँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग, या इवन मैं अपनी भी बात करूँ तो कई बार ऐसा होता था कि आपसे सीधा नहीं बैठा जाता है, बहुत देर तक नहीं बैठा जाता है, 5 या 10 मिनट हम बैठ सकते हैं, लेकिन अगर कोई आधा घंटा या 1 घंटा ध्यान लगाने की बात करे तो बहुत मुश्किल होता है। हालांकि धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे टिप्स हैं जो कि हमें एकदम सीधा बैठने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये कुशन है। अगर हम इस कुशन को नीचे लगा लें, अपने बेस पे लगा कर बैठें, तो हमें ये हेल्प करता है स्पाइन को और ज़्यादा सीधा करने में। उसके बाद में देखिए, 1 मिनट में कैमरा दूर करके बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से कुशन लगाना है। यस,
अब हम स्पाइन सीधी करने के लिए इस कुशन को अपने नीचे लगा लेंगे और इसके ऊपर बैठ जाएंगे। जब हम इसके ऊपर बैठ जाते हैं तो हमारी स्पाइन एकदम सीधी हो जाती है और हमारे बैक को जो सपोर्ट मिलता है उससे हमें हेल्प मिलती है अपनी स्पाइन को ज़्यादा देर तक सीधा रखने की। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो आपकी लेफ़्ट लेग है इसको यहाँ पर रखा आपने और जो राइट लेग है इसको इसके ऊपर या इसके नीचे रखने के बजाय आप इसको यहाँ पर आगे रखिए। ये पैर है, इसके आगे ये पैर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, दोनों आराम से फ्लोर पर रिलैक्स कर रहे हैं। इसके बाद में आप अपनी बैक और ये लेग्स में एकदम कंफर्टेबल आराम से ज़्यादा देर तक ध्यान लगाने की स्ट्रेंथ डेवलप कर पाएंगे। इसके बाद में आपको ना लेग्स में पेन होगा ना आपको स्पाइन को झुकाने का मन करेगा। और जब आप सीधे बैठेंगे बिल्कुल इस तरीके से हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के, तब आप ध्यान को ज़्यादा देर तक कर पाएंगे और उसको महसूस कर पाएंगे। कोशिश ये रहे कि आपके बेस चक्रा से वो एनर्जी ऊपर 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 उठती हुई आपके क्राउन चक्रा तक जा रही है और वो एनर्जी सीधी ऊपर जाए। इसके लिए ध्यान रहेगा कि हमारी बैक एकदम सीधी है और वो डेफिनेटली वो एनर्जी जो है वो वहाँ पे जागृत होगी होगी। फ्रेंड्स, ये है ध्यान में कैसे बैठे हैं इसका तरीका, और सीधा बैठे या झुक के आपको पता चल गया होगा क्यों सीधा बैठना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय।